गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ और हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट टू है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन पार्ट वन का वीडियो अपलोड किया था और आज हम पार्ट टू को देखेंगे। पार्ट टू में हमने कवर किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये हमारा एक्चुअली टॉपिक था। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने शुरुआत की थी ज़ीरो लेवल से, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच तक कैसे पहुँचे हम लोग। तो हमने देखा था लेटर्स के बारे में, हमने देखा स्क्रिप्ट क्या होता है, हमने देखा सिम्बॉल्स, लैंग्वेज सीखने के लिए सिम्बॉल्स की आवश्यकता होती है, लैंग्वेज की जो खूबसूरती है ना वो क्या है, उसका सीक्वेंस है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में कवर किया था। तो आज हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट टू है, जिसमें मैंने कहा था कि मैं स्टार्ट करूँगा नाउन, यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। इस नाउन में हम क्या बताएंगे, इस नाउन में मैं ये बताने वाला हूँ कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि नाउन क्या होता है तो आप लोगों का सीधा सीधा जवाब होगा कि सर किसी भी चीज़ का नाम, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है और वही हमारा क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो एक चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड्स से आप क्या समझ रहे हैं, नेमिंग वर्ड का मतलब हो गया किसी भी चीज़ का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन से हमने क्या जाना कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज़ का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो हमारा नाउन होता है। ओके, और ये जो नेम हो सकता है वो किसका हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, किसी भी पर्सन का नाम। और दूसरा कैटेगरी जो हम डालेंगे उसमें लिख देंगे अदर्स, यानी एक तरफ हमने पर्सन को लिया और एक कैटेगरी हमने लिया किसका, अदर्स का। और अदर्स में क्या आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा और क्या आ जाएगा, थिंग्स आ जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, नाउन में हमने क्या बताया, नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम, नेम ऑफ एनी थिंग, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ओके, और हमने इसे क्या किया, डिवाइड किया, एक तरफ हमने पर्सन लिया और एक तरफ हमने अदर्स में हमने क्या रखा, एनिमल्स को रखा, थिंग्स को रखा। मतलब जो एनिमल्स होंगे, एनिमल्स के भी तो नाम होते हैं ना, वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, और बहुत सारे थिंग्स हैं उसके भी नाम होते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, और पर्सन किसी भी व्यक्ति का नाम, वो भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान देंगे, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जानना जरूरी है किस चीज का, कि वह जो हु व्हाट और हुम का रिप्लाई बने, जो हु व्हाट और हुम का रिप्लाई बनता है वो हमारा नाउन होता है। देखिए, ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, हु व्हाट और हुम, यानी अगर सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको पता करना है नाउन, ओके, आपको पता करना है नाउन, तो आप क्या करो, आप जवाब ढूंढिए किस चीज़ का, हु का। अगर हु का जवाब मिल जाता है, हु का मतलब क्या होता है, कौन, हु का मतलब क्या होता है कौन, व्हाट का मतलब क्या, और हुम का मतलब किसे। तो आपको जवाब ढूंढना है, अगर जवाब आपको मिल जाता है किस चीज़ का, कौन का, या अगर आपको जवाब मिल जाता है किस चीज़ का, व्हाट का, अगर आपको जवाब मिल जाता है हुम का, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो नाउन पहचानने का सबसे आसान तरीका, आप सवाल पूछिए, सेंटेंस जैसे आपके सामने आएगा आपको खुद से एक सवाल पूछना है, और सवाल में क्या पूछना है आपको, अगर आपको जवाब मिलता है किस चीज़ का, कौन का, कौन, तो आपका क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। यानी जो जवाब बनेगा ना कौन का, वो वर्ड हमारा नाउन हो जाएगा। आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल आप ये समझ लीजिए, अगर व्हाट का जवाब जिस वर्ड ने भी दिया आपको,
व्हाट का जवाब जिस वर्ड ने भी दिया आपको वो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन, या हुम का रिप्लाई जो वर्ड देगा ना वो वर्ड क्या हो जाएगा, वो वर्ड हमारा नाउन हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। बाबू अगर आपको ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आई है ना तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा मोहन सौ रोहन। मोहन ने रोहन को देखा, ध्यान दीजिएगा, मोहन ने रोहन को देखा, ये सेंटेंस है या नहीं है? बाबू बिल्कुल ये सेंटेंस है। सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए? हर सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका एक अपना वर्ब होता है। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस है और हमें जवाब ढूंढना है। अच्छा, मोहन सौ रोहन, मोहन ने रोहन को देखा, तो किसने देखा या कौन देखा? तो मोहन ने देखा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मोहन है ना, ये किसका रिप्लाई बन रहा है? हु का। हु मतलब कौन देखा, तो आप बोलोगे सर मोहन देखा। तो मोहन क्या हो जाएगा? मोहन बाबू क्या हो जाएगा? मोहन आपका नाउन हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अच्छा, मोहन सौ रोहन, मोहन किसे देखा? तो आप बोलोगे सर मोहन ने रोहन को देखा। तो बाबू ये जो रोहन है ना, ये किसका जवाब बनेगा? ये जवाब बनेगा हुम, यानी किसे देखा, तो रोहन को देखा। तो ये भी आपका वर्ड क्या हो जाएगा? ये भी वर्ड क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? बाबू आपको सेंटेंस मिलेगा, सेंटेंस में आप देखिएगा, अगर हु का रिप्लाई जो वर्ड देगा ना वो वर्ड नाउन होगा, हुम का रिप्लाई जो वर्ड देगा वो भी हमारा क्या होगा? नाउन होगा। तो यहाँ पे मोहन सौ रोहन, मोहन रोहन को देखा, तो कौन देखा? तो आप बोलोगे सर मोहन देखा। तो बाबू कौन का जवाब, कौन सा वर्ड यहाँ पे दे रहा है? तो आप बोलोगे सर कौन का जवाब तो हमें मोहन से मिल रहा है ना, कि मोहन ने देखा। कौन देखा? तो मोहन ने देखा। तो मोहन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अच्छा, किसे देखा? तो आप बोलोगे सर रोहन को देखा। तो रोहन फिर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये किसका रिप्लाई हो रहा है, किसका रिप्लाई बन रहा है? हुम का रिप्लाई बन रहा है। किसे देखा? तो रोहन को देखा। तो रोहन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल व्हाट का लेते हैं। बाबू ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे। ओके, चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको दिल से धन्यवाद कहता हूँ आप सभी को, जो लोग मेरे चैनल मतलब ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल चैनल से जुड़े हुए हैं, और आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए और क्लास लेता रहूँगा। और कोरोना पैंडेमिक तो आप जान ही रहे हैं ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस तो आएगी, लेकिन पूरी कोशिश होगी हम सभी टीचर्स की कि वो आकर यहाँ पे क्लास रेगुलर लेते रहेंगे। ओके, तो बाबू आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये सारी बातें नोट कर ली होंगे। मैंने क्या कहा? नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड से आप क्या समझते हो? किसी भी चीज़ का नाम, नेम ऑफ एनी थिंग, किसी भी चीज़ का नाम। बाबू इसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा, एक हमारा पर्सन आ गया, दूसरा हमने लिया अदर्स। अदर्स में एनिमल्स आ जाएगा, थिंग्स आ जाएगा, या वैसी चीज़ें आ जाएगी जैसे फीलिंग्स वाली चीज़, जैसे ऑनेस्टी, जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी को फील करते हैं। ओके, जैसे डिसऑनेस्टी, उसे भी हम क्या करते हैं? फील करते हैं। चाइल्डहुड, बचपन, जिसे हम फील करते हैं। तो फील करने वाली जो भी चीजें हैं ना, वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? नाउन ही आएंगे। सारे के सारे किस में आएंगे? नाउन में आएंगे। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं बाबू, एंड आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। देखिए बाबू आगे हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा मोहन गेव मी अ बुक। बाबू सेंटेंस में अब हमें ढूंढना है नाउन क्या है, मतलब हमें इस सेंटेंस में ये ढूंढना है कि नाउन
कहाँ पे नाउन है, तो आपको जवाब ढूंढना है। मैंने क्या कहा था, जो कौन का जवाब दे, या जो हमें किसे का जवाब दे, हुम का रिप्लाई दे, या जो हमें व्हाट का रिप्लाई दे, वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बाबू मोहन गेव मी अ बुक, मोहन ने मुझे एक किताब दिया, ध्यान दीजिएगा। तो कौन दिया, कौन दिया, तो आप बोलोगे सर मोहन ने दिया, मोहन ने दिया। तो बाबू हु का जवाब कौन दे रहा है, तो आप बोलोगे सर ये वर्ड मोहन दे रहा है। तो बाबू अगर हु का रिप्लाई जो वर्ड देगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका नाउन हो जाएगा। ओके अच्छा, मोहन ने क्या दिया, क्या दिया, तो आप बोलोगे सर मोहन ने किताब दिया। तो बाबू ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है ना, ये बताइए ये रिप्लाई किस चीज का बन रहा है, आप बोलोगे सर व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। व्हाट का मतलब होता है क्या, मोहन ने क्या दिया, तो आप बोलोगे सर मोहन ने क्या दिया, मोहन ने किताब दिया। तो बाबू जो व्हाट का रिप्लाई बनेगा, जो हु का रिप्लाई बनेगा, वो सारा का सारा क्या होगा, नाउन। तो ये आपका बुक भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बाबू आई होप आपको समझ में आ रही है ना, अभी तक आपने पढ़ा होगा किसी व्यक्ति वस्तु जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसा आपने बचपन में पढ़ा होगा। बाबू थोड़ा सा आप चेंज करो कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाओ। आपको बस ये देखना है जो हु का रिप्लाई बने, जो व्हाट का रिप्लाई बन जाए, या जो हुम का रिप्लाई बन जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे मोहन, कौन 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 दिया किताब, कौन दिया, आप बोलोगे सर मोहन दिया। तो कौन का जवाब कौन दे रहा है, यहाँ पे ये वर्ड मोहन दे रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा, नाउन। अच्छा क्या दिया, तो आप बोलोगे सर बुक दिया, तो बाबू बुक क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। एंड आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। बाबू ये हमने देखा नाउन, तो अब किसी भी सेंटेंस में आसानी से आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके अब हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच आएगा बाबू, प्रोनाउन। बाबू ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ, मैंने चैप्टर शुरू किया ही नहीं है, बस मेरा टॉपिक चल रहा ना पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा नाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है। ओके ये हमारा वर्ब, ये हमारा एडजेक्टिव है, इस तरह से। ओके तो ये हमारा नाउन आइडेंटिफिकेशन हमने देखा, यानी जो हु का, व्हाट का और हुम का रिप्लाई बने, वो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, वो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके तो बाबू अगला हेडिंग हम लिखते हैं, आई होप आपने इस एग्जांपल को भी नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन पे, हमारा जो सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है ना वो क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन देखिए बाबू, पार्ट ऑफ स्पीच, सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, ये हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर हम देखा जाए तो हम सिंपली कह सकते हैं ना, हिंदी में आपने पढ़ा होगा सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के बदले यूज होता है, जो संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन। बट इंग्लिश में सीधा सीधा आप लिखो रिप्लेसेस नाउन। प्रोनाउन का काम क्या होता है, ये क्या करता है बाबू, नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। मतलब कहने का मतलब नाउन की जगह पर ये आकर बैठेगा। प्रोनाउन का काम क्या होता है, जहां पर नाउन होगा बाबू, सेंटेंस में जहां जहां नाउन होगा वहां पे हम एक प्रोनाउन को ही लाकर वहां पे डाल सकते हैं, उसके अलावा किसी और को हम नहीं ला सकते हैं। प्रोनाउन का काम ही होता है नाउन को क्या करना, रिप्लेस करना। मतलब नाउन वहां से हटेगा और ये खुद जाकर वहां पर बैठेगा। बात समझ में आ रही है ना, प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करना। अब जैसे मेरे, जैसे एक एग्जाम्पल देखना, जैसे बाबू मैंने लिखा मोहित गोज टू दिल्ली। बाबू ये सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर पूछूं आपसे नाउन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ पे जो नाउन है ना वो क्या है, मोहित। तो बाबू मोहित गोज टू स्कूल, कौन जाता है दिल्ली, तो मोहित, तो मोहित क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। बाबू इस नाउन के बदले में हमें क्या यूज करना है, प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा। तो मोहित के बदले में हमने क्या यूज किया, मोहित के बदले में हमने यूज किया ही। He goes to Delhi. ओके He goes to Delhi. तो ध्यान दीजिएगा, मोहित goes to Delhi. इसमें मोहित के बदले में हमने क्या यूज किया, मोहित के जगह पे हमने क्या यूज किया, ही का यूज किया। तो बाबू नाउन के जगह पे हमने क्या यूज किया, नाउन के जगह पे हमने क्या यूज किया, ही। और ही आपका क्या हो जाएगा, ही आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ओके ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना बाबू, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है। बाबू यहाँ पे मोहित क्या था, आपका नाउन, और मैंने इसके जगह पे क्या रखा, ही। तो बाबू ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। क्यों होगा, क्योंकि मैंने ही का यूज किया है किसके जगह पे,
किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा सीता एंड गीता वेंट टू मार्केट। सीता एंड गीता वेंट टू मार्केट। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे अगर बात करें सीता और गीता कौन, तो आप बोलोगे सर सीता और गीता तो कौन, कौन का जवाब जो देगा वो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। तो बाबू सीता एंड गीता यहाँ पे क्या है, सीता एंड गीता यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर सीता एंड गीता यहाँ पे क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है बाबू? क्योंकि ये रिप्लाई किसका बन रहा, हु का, कौन, मार्केट कौन गया भाई, मार्केट कौन गई, तो सीता और गीता गई तो कौन का जवाब जो देगा वो होगा नाउन, तो सीता एंड गीता क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना बाबू? इसके बदले में हमें यूज करना है एक वर्ड, जो हमारा कहलाएगा प्रोनाउन। बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितने लोग हैं, दो लोग हैं ना, एक है आपका सीता और दूसरा आपका कौन है, गीता। तो सीता और गीता दो लोग हैं ना बाबू, दो हो गया तो आप मुझे ये बताओ सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा? दो की अगर बात होती है तो वो सिंगुलर होता है या प्लुरल होता है? आप बोलोगे सर अगर दो की बात हो ना तो वो क्या होता है, वो प्लुरल होता है। ओके, एक से अधिक जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, प्लुरल। और बाबू यहाँ पे जो नाउन है ना वो क्या है, प्लुरल है ना, और इसके बदले में जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे ना, वो क्या हो जाएगा बाबू, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे। तो यहाँ पे हो जाएगा दे वेंट टू मार्केट। बाबू मैंने सीता और गीता के बदले में क्या यूज़ किया, सीता और गीता के बदले में हमने क्या यूज़ किया, दे का यूज़ किया। और दे क्या हो जाएगा बाबू, दे क्या हो जाएगा, दे आपका प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, दे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, दे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने नाउन के बदले में यूज़ किया, ठीक है ना। प्लुरल है ना बाबू, प्लुरल प्रोनाउन हमेशा हम दे का यूज़ करते हैं। जब प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाएंगे ना वहाँ पे आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। ओके, फिलहाल आप ये समझ लो यहाँ पे हमारा दो है, यहाँ पे दो व्यक्ति की बात हो रही है, और दो आपका क्या हो जाएगा, प्लुरल। और प्लुरल में क्या होता है, प्लुरल में प्रोनाउन में हम क्या यूज़ करते हैं, दे का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बाबू, दे का यूज़ करते हैं। एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बाबू आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना? कुछ और एग्जांपल्स लेंगे बाबू, प्रोनाउन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं बाबू। ये सारे एग्जांपल्स को आप नोट करते चलना, ठीक है ना, ये सारे एग्जांपल्स को नोट करते चलना, मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, और आपको बताना है कि बाबू इसमें प्रोनाउन क्या है, ठीक है। ये छोटा मोटा सेंटेंस है, अब कुछ अच्छे सेंटेंस हम लेते हैं थोड़ा सा प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बाबू मेरा पहला सेंटेंस है, मैंने लिखा सम ऑफ द बॉयज हैव कम। बाबू अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है, आप बोलोगे सर प्रोनाउन में तो आपने मुझे बताया कि नाउन के जगह पर जिस शब्द का हम यूज करते हैं, जिस वर्ड का हम यूज करते हैं, वो हमारा होता है प्रोनाउन। तो मुझे बताना है आपको कि प्रोनाउन इसमें क्या है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ द बॉयज, इसका मतलब पहले आप समझ लो, सम ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से कुछ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात हो रही है बॉयज, और बाबू बॉयज का मतलब यहाँ पे क्या है, एक लड़का की बात हो रही है या एक से अधिक लड़का की बात हो रही है, मतलब एक से अधिक लड़के की बात हो रही है या एक लड़के की बात हो रही है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बॉयज है ना, और बॉयज का मतलब हुआ एक से अधिक की बात हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ मतलब लड़कों में से कुछ। ध्यान दीजिएगा, लड़कों में से कुछ, तो बाबू कुछ क्या, यहाँ पे जो ये जो सम है जिसका मतलब आपने कहा सर सम का मतलब होता है कुछ, तो लड़कों में से कुछ, तो बाबू कुछ क्या होगा, कुछ तो लड़का की ही ना बात होगी। ध्यान दीजिएगा, कुछ जो है यहाँ पे सम जो है ये किसकी बात हो रही है, बात तो लड़के की ही हो रही है कि लड़कों में से कुछ लड़के। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, ये जो सम है आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो सम आया है वो किसके लिए आया है, आप बोलोगे सर ये जो सम है ना वो इस लड़के के लिए आया है, क्योंकि लड़कों में से कुछ लड़के। तो बाबू लड़का की जगह पे आपने क्या यूज़ किया, सम का यूज़ किया, किसका यूज़ किया, सम का। और बाबू नाउन के बदले, और लड़का क्या होता है बाबू, ये तो आपका नाउन है ना, तो नाउन के बदले
इसलिए आप जिस वर्ड का यूज करोगे वो वर्ड क्या होगा, आप बोलोगे सर वो वर्ड प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन। तो लड़कों में से कुछ, तो कुछ लड़के, तो बात हो रही है लड़के की, तो लड़के के जगह पे यानी बॉयज के जगह पे हमने क्या यूज किया? सम। तो सम क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको बस इसमें बताना है बाबू, वन ऑफ द स्टूडेंट्स में आपको ये बताना है कि सेंटेंस में जो आपका प्रोनाउन है, तो सेंटेंस में प्रोनाउन यहाँ पे क्या है। जैसे सेंटेंस को पूरा लिख लेते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज कमिंग। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ बाबू यहाँ पे देखो क्या है, स्टूडेंट्स का मतलब मैं एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक से अधिक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक। तो एक क्या? तो आप बोलोगे सर एक स्टूडेंट की ही तो बात आप कर रहे हो, सर एक स्टूडेंट की ही तो बात हो रही है। तो बाबू स्टूडेंट अपने आप में क्या है? नाउन। और नाउन के बदले हमने क्या यूज किया? वन। तो बाबू ये वन क्या हो जाएगा? ये वन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके बाबू ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? लड़कों में से कुछ, तो कुछ क्या? कुछ लड़के। तो लड़के की जगह पे हमने क्या यूज किया? कुछ यानी सम। और सम क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। यहाँ पे स्टूडेंट्स में से एक, तो बाबू एक क्या? तो आप बोलोगे सर एक स्टूडेंट। तो बाबू स्टूडेंट की जगह पे हमने वन का इस्तेमाल किया, तो वन आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या आपको चीज समझ में आ रही है ना बाबू? चीज समझ में आ रही है ना? आप वीडियोस को पूरा देखिए बाबू। फर्स्ट वीडियोस, अगर जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियोस नहीं देखा है, पहले आप ऐसा करो ना, फर्स्ट वीडियोस आप देख लो, ठीक है? फर्स्ट वीडियोस आप देख लीजिए, कुछ स्टार्टिंग की चीज़ें मैंने बताया है, और सेकंड वीडियो उसके बाद आप देखना। ओके, ऐसे सेकंड वीडियोस अगर आप डायरेक्ट देखना भी शुरू करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जिनका छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। सेकंड वीडियोस, सेकंड पार्ट से भी आपको चीज़ समझ में अच्छे से आएगी, ठीक है बाबू? हमने एग्जांपल्स देखा बाबू, कुछ और एग्जाम्पल लें। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन के बाद आप एडजेक्टिव आप लोग देखेंगे। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज माई कार। ध्यान दीजिएगा बाबू, यह मेरी कार है। ध्यान दीजिएगा, कार क्या है बाबू? नाउन। कार क्या है? नाउन। तो बाबू किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो कार आपका क्या हो जाएगा? नाउन। ध्यान दीजिएगा, ये दिस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दिस क्या है, तो आप बोलोगे सर दिस इज माय कार, यह मेरी कार है। तो बाबू यह किसके लिए आया है? अगर आप ध्यान से समझोगे तो बाबू यह किस चीज की बात हो रही है? यह मेरी कार है। तो बाबू यह किसके लिए आया है? तो आप बोलोगे सर यह जो है ना वो कार के लिए ही तो आया है, यानी बात हो रही है यह मेरी कार है। तो यह मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाबू कार अपने आप में क्या है? कार अपने आप में क्या है? नाउन। और बाबू नाउन के बदले हमने क्या यूज किया? नाउन के बदले हमने यूज किया यहाँ पे दिस। और बाबू नाउन के बदले जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। क्या होता है बाबू? प्रोनाउन होता है। क्या आपको चीज समझ में आ रही है ना बाबू? क्या आपको चीज समझ में आ रही है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा दीज आर बुक्स। ये मैंने आपसे कहा, और आपको बताना सेंटेंस से प्रोनाउन क्या है। बाबू ये बुक्स क्या है? तो आप बोलोगे सर ये बुक्स तो नाउन है, किसी भी चीज का नाम आपका हो जाएगा नाउन। तो बुक्स तो आपका नाउन है। अच्छा, दीज मतलब ये सब किताबें हैं, दीज आर बुक्स। तो बाबू दीज किसके लिए है? ये सब मतलब मैं बात किस चीज की कर रहा हूं? तो आप बोलोगे सर बात आप किताब की ही तो कर रहे हैं, और किताब नहीं लिखकर मैंने क्या लिखा दीज। तो दीज बाबू यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बुक्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बुक्स को। और बाबू नाउन और बुक्स अपने आप में क्या है? नाउन। नाउन के बदले हमने क्या यूज किया? दीज। तो दीज बाबू क्या हो जाएगा? दीज क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर दीज आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या बाबू चीज समझ में आ रही है ना? ओके, तो बाबू प्रोनाउन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन के बदले हम जिस वर्ड का यूज करते हैं ना, वो वर्ड हमारा क्या होता है? वो वर्ड हमारा होता है प्रोनाउन।
क्या इतनी बात समझ में आ गई ना? मैं आगे बढ़ूँ तो अगला पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा होगा बाबू वो होगा एडजेक्टिव, वो होगा एजेक्टिव बाबू। एजेक्टिव होता है डी साइलेंट होता है, ओके एजेक्टिव। चलिए अगले पार्ट ऑफ स्पीच में हम आते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वो अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं। वो अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना वो हमारा है एडजेक्टिव। वो क्या है बाबू? एडजेक्टिव। चलिए इसका क्या इसका मतलब समझते हैं बाबू। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? आप बोलोगे सर हिंदी में तो इसे कहते हैं विशेषण। हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण का क्या मतलब होता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को बतलाता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण होते हैं हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में सीधा सीधा आप कह लो इट एड्स मीनिंग टू अ नाउन ऑर्डर प्रोनाउन। बाबू जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए ना सीधा सीधा समझ लो, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहे, ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ बाबू। कोई ऐसा वर्ड जो कोई भी जानकारी दे किसके बारे में? नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, वो वर्ड हमारा क्या होगा? वो वर्ड हमारा होगा एडजेक्टिव। बात समझ में आई ना? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि कोई भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड जो जानकारी दे, जो इंफॉर्मेशन दे, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बात समझ में आ रही है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, अतिरिक्त जानकारी दे, किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो वैसे वर्ड क्या कहलाते हैं? वैसे वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। बात समझ में आई बाबू? एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ही इज अ स्मार्ट बॉय। बाबू मुझे आप ये बताओ इस सेंटेंस में बॉय क्या है? आप बोलोगे सर ये तो नाउन है। अच्छा बाबू ही वह एक स्मार्ट लड़का है। वह तो बाबू वह जो है किसके लिए आ रहा है? वह किसके लिए आ रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पे वह से आप यानी यहाँ पे जो ही मैंने लिखा है ये किसके लिए आ रहा है? तो बाबू ये लड़का के लिए तो आ रहा है, वह एक स्मार्ट लड़का है। तो वह मतलब किसकी बात हो रही है? लड़का की ही तो बात हो रही है। और लड़का क्या है? नाउन। और नाउन के बदले में हमने क्या यूज़ किया? ही। तो बाबू ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन हमने सीखा, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ओके अब ध्यान दीजिएगा ये स्मार्ट क्या बाबू? ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो वर्ड हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव। बाबू मैंने कहा वह एक लड़का है, ठीक है, वह एक स्मार्ट लड़का है। ध्यान दीजिएगा तो लड़का कैसा है? आप बोलोगे सर लड़का जो है ना वह स्मार्ट है। तो बाबू लड़का के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है? लड़का के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है? आप बोलोगे सर लड़का के बारे में अतिरिक्त जानकारी तो यही वर्ड दे रहा है ना, स्मार्ट। तो बाबू जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, ओके, वो वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो बाबू ये स्मार्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आई बाबू? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो, वे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। चीज़ें समझ में आ रही है ना बाबू? अब कुछ और एग्जांपल्स हम करेंगे, चीज़ें और क्लियर होती चली जाएगी। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने कहा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान दीजिएगा बाबू, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो बाबू सी क्या हो जाएगा? सी मतलब वो, यहाँ पे सी किसके लिए है? गर्ल के लिए। और गर्ल क्या है अपने आप में? नाउन। बाबू ये अपने आप में क्या है? नाउन है। और नाउन के बदले हमने क्या यूज किया? सी। तो बाबू सी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ओके अच्छा, नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, तो बाबू लड़की जो है ना वो कैसी है? तो लड़की ब्यूटीफुल है ना, लड़की कैसी है? सुंदर है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है इस सेंटेंस में, कौन सा
ऐसा वर्ड है जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा हो। आप बोलोगे सर ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना यही तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि लड़की है ना, लड़की सुंदर है, लड़की कैसी है, तो लड़की सुंदर है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सा वर्ड दिया, ये वाला वर्ड दिया ब्यूटीफुल। अब बाबू जो वर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो वर्ड क्या कहलाता है, वो वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव। तो बाबू ये वर्ड क्या हो जाएगा, ये वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। चीजें समझ में तो आ रही है ना बाबू, चीजें समझ में तो आ रही है ना। कुछ और एग्जांपल्स लें, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ओके चलिए एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने कहा आई वॉन्ट दिस बुक। बाबू ध्यान दीजिएगा आई क्या है, अच्छा मैं। बाबू यहाँ पे जो ये जो वर्ड आया ना आई, आई का मतलब हो गया मैं, यानी किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है। और किसी व्यक्ति की बात अगर हो तो वो क्या होगा, नाउन होगा, लेकिन व्यक्ति के जगह ये व्यक्ति क्या होता है, नाउन। ओके व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वो तो नाउन है, और नाउन के बदले हमने क्या यूज किया, आई। तो बाबू आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ओके अच्छा ये बुक क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये जो बुक है ना वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन। अब बाबू नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा वो क्या होगा, वो होगा आपका एडजेक्टिव। तो बाबू आई वॉन्ट दिस बुक, मैं इस किताब को चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस बुक। ध्यान दीजिएगा बुक के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कौन सा वर्ड दे रहा है, कौन सी किताब, तो यह किताब, दिस बुक मतलब यह किताब। तो नाउन के बारे में, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, दिस। और बाबू तो दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कौन सा बुक, तो यह यानी दिस बुक। तो दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही है ना, दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और बाबू इससे पहले हमने सेंटेंस में दिस को क्या देखा था, दिस प्रोनाउन भी होता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा दिस इज माय बुक, ये सेंटेंस है हमारा। बाबू बुक क्या है, नाउन। अच्छा यह मेरी किताब है, तो यह किसके लिए आया है, यह जो वर्ड है, ये जो दिस है किसके लिए आया है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक को। तो बाबू जो बुक, और बुक अपने आप में क्या है, नाउन। तो नाउन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो वर्ड क्या होगा, प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे इस सेंटेंस में दिस क्या है, प्रोनाउन, और इस सेंटेंस में दिस क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, चेहरा एक और काम अनेक। यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की यहाँ पे खूबसूरती है कि बाबू ऐसे वर्ड ठीक है जो दिखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन उसका जो यूज होगा वो क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। आपने क्या देखा, दिस यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ पे दिस किसका क्या कर रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई वॉन्ट दिस बुक, कौन सी किताब, तो दिस बुक, यह किताब। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। समझ में आया। और यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस आपका प्रोनाउन होगा। क्यों, क्योंकि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यह किसके लिए आया है, नाउन यानी यह बुक के लिए आया है, और बुक अपने आप में क्या है, नाउन। तो नाउन के बदले जो भी वर्ड आएगा वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड आपका हो जाएगा बाबू प्रोनाउन। अभी जस्ट मैंने पढ़ा ना कि नाउन के बदले हम जिस वर्ड का यूज करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना बाबू, हमने देखा नाउन, हमने पढ़ा नाउन, हमने देखा प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमने देखा एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ओके हमने देखा एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब आते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा बाबू, एडजेक्टिव पहचाने का एक और आसान तरीका बाबू, जहाँ पे नाउन है ना, ध्यान दीजिएगा, नाउन के जस्ट पहले जो वर्ड होगा ना, नाउन के जस्ट पहले जो वर्ड होगा ना वो आपका वर्ड एडजेक्टिव होगा। मतलब एक मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसे तो उसको समझने का सबसे आसान तरीका है, एक तरीका जो मैंने बताया, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए एक्स्ट्रा, समझ में आ रही है ना, वो आपका होगा एडजेक्टिव। ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव जानना है तो नाउन के पहले कोई वर्ड अगर दिख जाए, समझ जाना वो वर्ड जो है ना वो नाउन को क्या कर रहा होगा, क्वालिफाई कर रहा होगा, उसकी विशेषता को बतला रहा होगा, और वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। लेकिन सीधा सीधा समझो, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी देता हो, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो, वे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई बाबू, कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप लिखें, अपने डाउट को मेंशन करें, मैं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश पूरा करूँगा। ठीक है,
जब भी मुझे देखने का मौका मिलेगा तो। ओके, सो गाइज, हमने देखा नाउन, हमने देखा प्रोनाउन और हमने देखा एडजेक्टिव। हमने थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन को क्लियर किया। अब वो अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं, जो है हमारा वर्ब, जो है हमारा वर्ब, V-E-R-B, वर्ब। ओके, एंड आई होप बाबू आपने एग्जाम्पल्स को और इन सारी चीज़ों को आपने नोट कर लिया होगा। तो आते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बाबू। एक मिनट, मैं फिर से एग्जाम्पल थोड़ा सा ये लिख देता हूँ बाबू। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा था बाबू, वो लिखा था मैंने दिस इज माई बुक बाबू। ये सेंटेंस था हमारा दिस इज माई बुक बाबू। मुझे लग रहा था ये दिस कट गया होगा, ठीक है, तो वीडियो में नहीं आया होगा। फिर से समझ लीजिए बाबू, दिस क्या है यहाँ पे और यहाँ पे बुक क्या है। बुक तो अपने आप में नाउन है बाबू, तो दिस किसके लिए है, बुक के लिए तो है। यह मेरी किताब है, यह मतलब क्या, तो बात तो हो रही है बुक की, तो बाबू दिस क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो नाउन के बदले में जो यूज होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इस सेंटेंस में दिस आपका प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में आपने क्या देखा कि दिस आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। यानी चेहरा एक है, काम इसके जो काम है वो क्या है, अनेक है, ठीक है। मतलब दिस आपका प्रोनाउन भी हो सकता है और दिस आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपको कोई बोले कि बताओ दिस क्या है, THIS, दिस क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस क्या है, आप बोलोगे कि भाई ऐसा करो, तुम सबसे पहले क्या करो, सेंटेंस में लिख कर दिखाओ। आप बोलना सामने वाले को कि आप ऐसा कीजिए कि आप इस दिस को एक सेंटेंस में लिखिए। सेंटेंस में लिखने के बाद ही आप पता लगा पाओगे कि वो नाउन है कि एडजेक्टिव है, मतलब क्या है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कोई अगर आपको बोलता है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप तभी कर पाओगे जब आपके सामने क्या हो, सेंटेंस हो। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछता दिस क्या है, तो आप बोलते, कुछ बच्चे बोलते सर दिस प्रोनाउन है और वो ये वाला एग्जांपल से मुझे समझा देते, और कुछ स्टूडेंट्स बोलते सर दिस एडजेक्टिव है, वो मुझे इस वाले एग्जांपल से समझा देते। तो बाबू कोई भी वर्ड से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि वो क्या हो सकता है। देखो दिस क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया, और दिस क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। बातें समझ में तो आ रही है ना। ओके, तो बाबू अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं, जो हमारा क्या होगा, वर्ब। जो हमारा क्या होगा वर्ब। तो बाबू एक प्यारा सा हेडिंग डालिए, वर्ब, V-E-R-B, वर्ब। बाबू अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं, फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब, V-E-R-B, वर्ब। बाबू वर्ब जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वर्ब क्या होता है, आप सीधा सीधा मुझे जवाब दोगे, वो बचपन में आपने पढ़ा होगा, सर एक्शन सुइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। आप मुझे समझाओगे, सर वैसे वर्ड्स जो एक्शन को डिनोट करते, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, वैसे वर्ड जो एक्शन के बारे में बताता हो, ठीक है ना, तो वैसे वर्ड्स कहलाते हैं वर्ब। ये आप मुझे समझा दोगे कि सर एक्शन को दिखाने वाला जो वर्ड होता है ना, एक्शन को दर्शाने वाला जो वर्ड होता है ना, वो वर्ड वर्ब होता है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्या इतना कहना काफ़ी होगा बाबू? नहीं। जो बचपन में आपने पढ़ा उन चीज़ों को आप थोड़ा सा हटाइए, थोड़ा सा ऊपर आइए, चीज़ें नई चीज़ें आ चुकी है, समझने का एक नया तरीका को भी आप अपना लीजिए। तो कुछ एक अलग तरीके से हम वर्ब को समझेंगे बाबू। वर्ब वो होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर वन, वर्ब वो होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। वर्ब वो होता है जो पोजीशन को दिखाए, ध्यान दीजिएगा पोजीशन को दिखाए। और वर्ब वो होता है जो हैपनिंग को दिखाता है। बाबू ध्यान दीजिएगा, वर्ब वो होता है जो एक्शन को दिखाता है, वर्ब वो होता है जो पोजीशन को दिखाता है, वर्ब वो होता है जो हैपनिंग को दिखाता है। बाबू एक्शन तो समझ में आ रहा है ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, लिखना क्या है बाबू एक्शन है, चलना क्या है एक्शन है, हंसना क्या है एक्शन है, रोना क्या है एक्शन है। बात समझ में आ रहा है, एक्शन का मतलब कार्य है, ठीक है ना, कोई भी काम हो रहा है। अगर किसी वर्ड से हमें पता चले किसी भी काम के होने का, कि कोई भी काम हो रहा है, वो एक्चुअली एक्शन सोइंग वर्ड होता है, ठीक है, और वो हमारा वर्ब होता है। तो वर्ब वो होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, जो एक्शन दिखाता हो। वर्ब वो होता है जो पोजीशन को भी दिखाता है बाबू। वर्ब पोजीशन को भी दिखाता है, पोजीशन का मतलब अधिकार को, ठीक है, पोजीशन का मतलब अधिकार, ओके। और वर्ब वो होता है जो हैपनिंग को भी दिखाता है, किसी भी चीज़ के होने को, बाबू हैपनिंग कह लो या स्टेट ऑफ बींग, किसी भी चीज़ के स्टेट ऑफ बींग को, जो स्टेट ऑफ बींग को दिखाता हो, स्टेट ऑफ बींग,
किसी भी चीज़ के होने को दिखाता है, वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, तीनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बाबू मैं लिख रहा हूँ, आई राइट अ लेटर। बाबू आई क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर आई आपका क्या हो, आई प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि मैं, तो बाबू मैं जो यहाँ पे आया है किसी व्यक्ति के जगह पे ही तो आया है, समझ में आ रही है ना, तो नाउन के बदले जो आएगा वो क्या होगा, प्रोनाउन। अच्छा मैं क्या लिखता हूँ, तो आप बोलोगे सर लेटर, तो बाबू जो व्हाट का जवाब दे, मैंने कहा था ना जो हु का रिप्लाई बने, जो हुम का रिप्लाई बने और जो व्हाट का रिप्लाई बने वो क्या होता है, नाउन। तो बाबू क्या लिखता हूँ, तो लेटर, तो बाबू लेटर भी क्या हो जाएगा, नाउन। अच्छा बाबू ये राइट, ध्यान दीजिएगा ये राइट मैं लिखता हूँ, तो लिखना बाबू यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये हैपनिंग को बता रहा है, क्या किसी भी चीज़ के होने को दिखा रहा है, क्या ये वर्ड पजेशन अधिकार को दिखा रहा है, क्या ये वर्ड एक्शन को दिखा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये जो वर्ड है ना वो एक्शन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। और बाबू एक्शन को अगर दिखाएगा तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये वर्ड वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक्शन को दिखाने वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं बाबू, वर्ब होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वर्ब। जैसे लिखना, मैं एक लेटर लिखता हूँ, तो बाबू लिखना क्या है, एक्शन ही तो है, तो एक्शन को दिखाने वाले जो वर्ड होंगे वो भी क्या होंगे, वर्ब होंगे। बात समझ में आई ना, तो हमने एक्शन वाला एक एग्जांपल ले लिया, बाबू एक पजेशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आई हैव माई कार, मैं आई हैव या आई हैव अ कार लिखो बाबू, आई हैव अ कार, मैं एक कार रखता हूँ, आई हैव अ कार। तो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये आई क्या है, तो आप बोलोगे सर ये आई तो प्रोनाउन हो गया। अच्छा ये कार क्या है, तो आप बोलोगे सर ये कार तो नाउन हो गया। अच्छा मैं एक कार रखता हूँ, तो बाबू बताइए ये जो यहाँ पे जो हैव वर्ड है ना, क्या ये एक्शन को दिखा रहा है, क्या ये एक्शन को दिखा रहा है, आप बोलोगे नहीं सर मैं एक कार रखता हूँ, तो एक्शन को कहाँ दिखा रहा है, क्या ये हैपनिंग को दिखा रहा है, किसी भी चीज़ के होने को दिखा रहा है, या ये पजेशन को दिखा रहा है, आप बोलोगे सर ये पजेशन को दिखा रहा है, क्योंकि कार पे अधिकार किसका है, तो कार पे अधिकार मेरा है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, या मैं एक कार रखता हूँ, तो बाबू कार पे अधिकार किसका है, मेरा है ना। तो बाबू यहाँ पे मुझे ये बता ये वर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है, आप बोलोगे सर ये पजेशन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, पजेशन को। तो बाबू ये वर्ड किसे दिखा रहा है, पजेशन, पोजीशन, POSSION, पोजीशन को दिखा रहा है। और बाबू वो वर्ड जो पोजीशन को दिखाता हूँ वो वर्ड भी क्या होता है, वो वर्ड भी हमारा वर्ब होता है, क्या होता है बाबू, वर्ब। तो आई हैव अ कार, तो हैव क्या हो जाएगा, वर्ब, लेकिन किसको दिखा रहा है, पोजीशन को। तो बाबू अभी तक आप क्या जानते थे कि सिर्फ एक्शन को दिखाने वाले सब जो होते हैं वर्ड जो होते हैं वही वर्ब होते हैं, लेकिन जो पोजीशन को दिखाता है ना वो भी वर्ब ही होता है। बात समझ में आ रही है, पोजीशन को भी, यानी वर्ब जो है पोजीशन को भी दिखाता है, वर्ब एक्शन को तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन इसके साथ साथ वर्ब किसे दिखाता है, पोजीशन को भी दिखाता है, और इसके साथ साथ वर्ब किसको दिखाता है, हैपनिंग को, यानी स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी भी चीज़ के होने को। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, बाबू मैं ये एग्जाम्पल को एडिस कर रहा हूँ, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ही इज अ टीचर। अब मुझे बताइए बाबू यहाँ पे इज क्या है, ध्यान दीजिए इज क्या है, तो आप बोलोगे सर इज तो वर्ब है, अब मुझे बताइए क्या ये एक्शन को दिखा रहा है, वह एक टीचर है, क्या ये एक्शन को दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है, तो बाबू एक्शन को तो दिखाई नहीं रहा। अच्छा वह एक टीचर है, क्या ये अधिकार को दिखा रहा है, नहीं, ये स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हैपनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैपनिंग, वह एक शिक्षक है, वह एक टीचर है, हैपनिंग या स्टेट ऑफ बीइंग। बाबू जो हैपनिंग को रिप्रेजेंट करे या जो स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी भी चीज़ के होने को बताता हो, जैसे वह एक टीचर है, यानी वह एक टीचर है, तो बाबू ये हैपनिंग को तो ही बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग किसी भी चीज़ के होने को जो दिखाता है, किसी भी चीज़ के होने को जो दर्शाता है, वो वर्ड भी क्या होता है, वर्ब। तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा बाबू, इज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, वर्ब हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, वर्ब एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को भी दिखाता है, पोजीशन को भी दिखाता है, और हैपनिंग कह लो या स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी भी चीज़ के होने की अवस्था को बताता हो, ठीक है ना, तो वो भी हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। बाबू समझ में आ रही है ना, आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। हमने देखा नाउन, हमने देखा प्रोनाउन, हमने देखा एडजेक्टिव,
और हमने देखा वर्ब। बाबू हमने 4 parts ऑफ स्पीच कवर कर लिया, ओके। और हमारे कितने बच गए, 8 parts ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच बच गए बाबू? आप बोलोगे सर 4। तो बाबू ये 4 मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा, जो हमारा होगा part 3, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन part 3। part 1 मैंने अपलोड कर दिया है बाबू। जो बच्चे part 1 नहीं देखे हैं वो बच्चे part 1 देखें, उसके बाद part 2 को देखें, और सारी चीज़ों को आप साथ में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। सारी चीज़ों को आप साथ में एक नोट करते हुए चलिएगा, ओके। उसके बाद अगले वीडियोज़ में हम रेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। तो बाबू आज के लिए इतना ही। आज आपका डेट जो है बाबू, मैं आपको बता दूँ, आज 4th of May है और बिहार सरकार ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया है। 15th of May तक ये लॉकडाउन रहेगा। फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम लोग आते रहें और आप लोग का क्लास लेते रहें। बाबू अपना प्यार दिखाइएगा ज़रूर, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स दें। और कुछ डाउट्स अगर आ जाता है ना, अगर कुछ डाउट्स आ रहा है कि सर आप एक बार और समझाओ, तो मैं अगले वीडियोस में मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन बाबू अगर समझ में नहीं आती है, ध्यान दीजिए, अगर समझ में कहीं नहीं आ रही है तो आप क्या करो ना, बैक यानी फिर से पीछे जाकर आप देखो, ओके। पीछे जाकर दोबारा देखो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो तीसरी बार देखो, नहीं समझ में आया चौथी बार देखो, ठीक है। 3-4 बार आप उसे बार बार देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ को मैंने कई तरीक़ों से समझाने की कोशिश यहाँ पे की है, ठीक है। और कई बातों को मैंने दोहराया भी है, मैंने रिपीट भी किया है। तो बाबू आप आराम से देखिए, चीज़ों को समझिए। 4 parts ऑफ स्पीच हमने डिस्कस कर लिया, रिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। अननेसेसरी आप घर से बाहर नहीं निकलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।